हिमाचल में कोरोना संक्रमण के चलते सभी शिक्षण संस्थान प्रदेश सरकार ने बंद करवा दिए हैं। ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि शिक्षण संस्थानों में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा प्रकाश में आ रहे थे, लेकिन इसी बीच 23 तारीख से आईटीआई विद्यार्थी की परीक्षाएं भी रख दी गई हैं। परीक्षाओं को लेकर आईटीआई सोलन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। ये जानकारी आईटीआई सोलन के प्रधानाचार्य चमनलाल तनबर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि आईटीआई अध्यापकों द्वारा कोविड काल में भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए आईटीआई द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आईटीआई सोलन के प्रधानाचार्य चमनलाल तनबर ने बताया कि विद्यार्थियों की शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाई जा रही थी। ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों का सारा सिलेबस पूरा करवा दिया गया है। अब 23 तारीख से विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली जानी हैं। उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं सीबीटी के माध्यम से ली जाएंगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि आईटीआई में कुछ ट्रेड्स में अभी भी सीटें खाली पड़ी हैं, इसलिए आईटीआई में अभी भी दाखिले चल रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी आईटीआई सोलन में एडमिशन लेना चाहता है तो 20 नवम्बर तक दाखिला ले सकता है। रिगार्डिंग एग्जाम के रिगार्डिंग सिर्फ हमारे पास एक डेट शीट आई है जिसमें 23 नवंबर से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहले प्रैक्टिकल्स होंगे और उसके बाद जो इनके जो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो इनके टेस्ट हैं वो होने हैं। और जो भी कैबिनेट का डिसीजन आया है उसके मुताबिक 11 से 25 तक जो है सारे संस्थान बंद कर दिए गए हैं और जो एडमिशन है आईटीआई की जो 20 तारीख तक डेट एक्सटेंड हुई है वो कंटिन्यू है, वो निरंतर आईटीआई में हो रही है। तो आप जो भी दाखिला लेना चाहें वो आईटीआई आए, 11:30 बजे तक फॉर्म भरा जाता है, 2:30 बजे उसकी काउंसलिंग हो जाती है। तो जो इच्छुक हो, हमारे पास सीटें खाली हैं, आईटीआई आए और एडमिशन लें। ट्यूशन बंद किया गया है तो जैसे बच्चों के लिए हमारे को जो एसओपी आई थी और 1 अक्टूबर से शुरू हुए थे तो उसके मुताबिक ऑलमोस्ट इनका जो सिलेबस है तकरीबन जो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल के लिए इंस्टीट्यूट लगाया गया था 1 अक्टूबर से, तो जो इनके आवर्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब तो सिर्फ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए ही आएंगे और जो 23 तारीख से निर्धारित थे।